परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आने के पहले तो मैं कुछ धार्मिक मिजाज का अवश्य था, लेकिन संतों पर या किसी पुरुष पर मेरी धार्मिक विश्वास नहीं जमता था, बल्कि मैं उपहास उड़ाया करता था कि भक्त और भगवान के बीच में ये संतों की क्या आवश्यकता है या किसी पुरुष की क्या आवश्यकता है। ये 19 नवंबर 1969 की बात है, जब कलश यात्रा पटना में 108 कुंडी यज्ञ के प्रथम चरण में निकाली जा रही थी। परम पूज्य गुरुदेव एम्बेसडर गाड़ी से नीचे उतर रहे थे और जितने इनके भक्तगण थे वे सब दोनों तरफ से परम पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े थे। मैं इन लोगों की मूर्खता को समझ करके उपहास उड़ा रहा था और उस समय मैं पान खा करके और चूना चाट रहा था और यही मैं समझ रहा था कि कैसे ये मूर्ख लोग हैं जो एक व्यक्ति को इतना आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। खैर, जब ज्यों ही गुरुदेव नज़दीक आते हुए चले गए, मैं एक कौतूहल बस उस भीड़ की नज़दीक पहुंचता गया और जब गुरुदेव एकदम नज़दीक आ गए तो जब सभी चरण छू करके प्रणाम कर रहे हैं तो फिर मैं ऊपर से क्यों प्रणाम करूं, कैसे करूं। वातावरण ने मुझे कंपेल किया कि मैं भी उनका चरण स्पर्श करूं और मैंने चरण स्पर्श करके लिए झुका, हाथ बढ़ाया। संयोग ये हुआ कि मेरी उंगलियों का स्पर्श उनके पैर के चमड़े से हो गई और ज्यों ही स्पर्श उनके चमड़े से हुई मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे दोनों ये पैर के जो ये मांस के ये पेशियां हैं इसमें किसी ने बहुत ज़बरदस्त रूप से विद्युत का प्रवाह प्रवाहित कर दिया और मैं हकबका करके और इधर उधर देखने लगा कि यहाँ पर करंट का तो कहीं पर कोई स्रोत है नहीं, ये करंट कहाँ मुझे लग रहा है। और ऐसे करंट लगे, 2-3 बार झटके मुझे महसूस हुए और उस झटके में शायद परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमारे जितने पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे या ना समझी थी या अज्ञानता था वो सब को उन्होंने साफ कर दिया और उनके प्रति मेरी इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा उमड़ी, इतनी ज़बरदस्त प्यार उमड़ा कि अब उन्हें चारों तरफ जहाँ भी वो रहते थे मैं उसके बाद उन्हें देखने का मन करता था और देखता ही रहता था। उस समय हमारे चारों बच्चे बहुत ही कम उम्र के थे, पत्नी हमारी कहाँ रह रही है, बच्चे हमारे कहाँ रह रहे हैं, इसका भी मुझे बोध नहीं होता रहता था और बस जहाँ परम पूज्य गुरुदेव खड़ा रहते थे, बैठे रहते थे, इर्द गिर्द में मंडराता रहता था और यदा कदा हम दोनों की आँखें चार होती रहती थी। उन आँखों के चार होने में कितनी प्रेरणाएँ उन्होंने दी, कितनी शक्ति मुझे दी कि कार्यक्रम के करीब 20-25 दिनों तक मैं मदहोशी की स्थिति में रहता था और इतनी मदमस्त रहता था, हृदय से इतना गदगद रहता था, इतनी प्रफुल्लता रहती थी, इतनी आंतरिक आनंद रहता था कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बल्कि एक और मुझे ये अनुभूति हुई कि मेरे परिवार में पारिवारिक उलझनों के कारण अगर किसी से किसी प्रकार का मनोमालिन्य था, मनमुटाव था, तो मुझे ये लगता था कोई आने वाले व्यक्ति को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ये तो हमारे वही व्यक्ति आ रहे हैं जिससे मेरा मनमुटाव है, ऐसे हमको लगता था। और जब वो नज़दीक आते थे तो लगता था कि नहीं नहीं ये तो कोई दूसरा आदमी है। ऐसे एक नहीं अनेक बार ये घटनाएँ घटी और ये घटनाओं पर जब मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे ये एहसास हुआ, ये ज्ञान हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बेटा ये जितने दुनिया के लोग हैं ये सब तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप हैं और तुम अपने घर में इतना अनबन करके रहोगे तो कैसे चलेगा, क्या होगा। इसलिए जितने तुम्हारे जिस चीज से तुम्हारे पारिवारिक उलझन हैं पहले उसके घर जाना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैंने यही किया। जिन जिन में परिवार में जिन जिन लोगों से किसी प्रकार का कोई मनोमालिन्य था, दीक्षित होने के बाद उनके घर में गया, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि आज मैं बहुत बड़े संत और बहुत ही युग पुरुष के सानिध्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे, आज से हमारा और आपका संबंध वही पारिवारिक बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा। और ऐसा हमने व्यवहार करना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे परिवार में चारों तरफ से मुझे सहयोग मिलते हुए चले गए और हम एक दूसरे के इतना नज़दीक आते हुए चले गए कि उसका भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा परिवार आज कितना खुशहाल है और कितना बढ़िया।
परम पूज्य गुरुदेव को देखने के लिए बराबर मन करता था। जहाँ माता जी गुरुदेव रहते थे, निगाहें वहीं पर टिकी रहती थी। एक बार की बात है, परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन करके बाहर निकले और मैं टुक टुक उनको देख रहा था बरंडे से खड़ा होकर के, क्योंकि डर भी लगता था देख करके। उस समय मेरी आयु 31 वर्ष की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया कि चलो मैं कक्ष में जा रहा हूँ, तुम भी ऊपर आओ। उनका इशारा समझ करके मैं उनके पीछे पीछे ऊपर गया। ऊपर गया तो ये देखा कि परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव मसलन पर बैठ गए हैं और बहुत से वहाँ पर स्लेट रखे हुए हैं, पेंसिलें रखी हुई हैं, लोग घेर करके बैठा हुआ है और जिसको जो पूछना था स्लेट पर लिख देता था। परम पूज्य गुरुदेव पढ़ते थे, जवाब देते थे। मैंने भी कुछ प्रश्न आध्यात्मिक किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे प्रश्नों को पढ़ा, कहा बेटा अभी तुम नए नए आए हो, सारी चीज़ों को समझ जाओगे, पहले तुम अपनी शारीरिक कुछ बात बताओ। कोई कष्ट है क्या तुम्हारे शरीर में? कोई और तुम्हारी अपनी बात है क्या? मैंने कहा पिताजी आप तो सब जानते हैं, कष्ट तो कोई खास नहीं है, सब ठीक है। नहीं, मैं पूछता हूँ कोई कष्ट है तुमको? मैंने कहा पिताजी जब आप पूछ ही रहे हैं तो 1965 में मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ा था और इतना ओवर मेडिकेटेड हो गया था कि मेरा हार्ट जो है सो बहुत कमज़ोर हो गया है, यहाँ तक कि मैं डेड बॉडी को नहीं देख सकता हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो हाँफ जाता हूँ, बहुत परेशानियों में रहता हूँ। गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारा हार्ट कहाँ है? और मेरे कुर्ते के अंदर अपने हाथ ले जा करके ठीक हार्ट के पीछे उन्होंने एक छोटी सी चींटी काटी और बस उस चींटी में इतनी शक्ति थी कि मैं 61-62 वर्ष का होने जा रहा हूँ और मैं इतनी आज प्रसन्नतापूर्वक और स्वास्थ्य का लाभ करते हुए इतनी हिम्मत और ताकत के साथ मैं सेवारत रहता हूँ, थकान नहीं आती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तरह से शक्तियों का अंबार लगा दिया मेरे हार्ट में, मेरे पूरे शरीर में हार्ट में लगा दिया। एक समय की बात है कि मैं कार्यालय से प्रायः टिफिन के आवर्स में निकल जाया करता था झोला पुस्तकालय लेकर के दूसरे ऑफिसों में पढ़ाने के लिए। एक IAS अफसर जिनके साथ मेरा अटैचमेंट था और उस समय इमरजेंसी का समय था, वो मुझे आने में कुछ विलम्ब हो गया तो वो बहुत ही तुनक करके मुझसे उन्होंने कहा कि क्यों साहब, आपको मालूम नहीं है कि लंच पीरियड आधे घंटे का होता है और आप 2-2 घंटा बाहर रह जाते हैं। मैंने कहा कि बहाना बनाया कि मैं बहुत दूर से आता हूँ और मेरे पास साइकिल है, वो भी अच्छी साइकिल नहीं है, आने जाने में समय लग जाता है इसलिए विलम्ब हो जाती है। बातें कुछ बढ़ गईं, इस तरह से बातें बढ़ गईं कि मैंने लिखित रूप में उनको दे दिया और बहुत ही ज़बरदस्त रूप से लिखित रूप में नोकझोंक करते हुए मैंने उनसे कुछ लिखित रूप में दे दिया। और उस समय इमरजेंसी का समय था और चीफ मिनिस्टर बिहार उनके फास्ट फ्रेंड थे, दोनों एक साथ बैठ करके नाश्ता करते थे, लंच लेते थे। देने को तो मैंने दे दिया लेकिन रात पर मुझे नींद नहीं आई कि यदि थोड़ा सा ये हमारे ऊपर एक कलम भी लिख दें तो मेरी नौकरी जा सकती थी। लेकिन धन्य हमारे गुरु और धन्य हमारी गुरु माता की प्रेरणा कि दूसरे दिन जब मैं आया तो मेरे बॉस ने मुझे बुला करके कहा, क्यों जी तुमने जो कुछ लिख करके दिया है ये सही दिमाग से दिया है? मैंने समझा कि अगर मैं यहाँ से मुकरता हूँ तो शायद ये मेरी सर्विस ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जी हाँ सर, मैंने जो कुछ भी लिख करके दिया है सत्य बात लिख करके आपको मैंने दी है, मुझे उसे एक इंच भी इधर से उधर डिगना नहीं है। फिर इसका ऐसा असर उनके ऊपर हुआ कि हंसते हुए उन्होंने हमारे कागज़ को लौटाते हुए कहा कि चंद्रेश्वर अभी तुम बच्चे हो, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लो मैं तुम्हें लौटाता हूँ और यही तुमसे कहूँगा कि नौकरी से खिलवाड़ मत करना। कहने का मतलब ये कि चाहे कितना हूँ किसी प्रकार के अवरोध आए लेकिन गुरु के कार्य में हमें किसी ने नहीं रोक सका। हम यही कह रहे हैं कि गुरुदेव को हम गायत्री से भी ऊंचा समझते हैं क्योंकि वो एक इतने बड़े ट्रांसफॉर्मर थे कि गुरु उस गायत्री की शक्ति को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके विश्वव्यापी बनाया था और इतने बड़े कन्वर्टर थे, इतने छोटे कन्वर्टर थे कि गायत्री रूपी शक्ति को हमारे जैसे नगण्य व्यक्ति के पास पहुँचाया और उसे उसके जीवन में 4 चांद लगा। वे किसान बड़े कुशल समझे जाते हैं जो अच्छे खेतों में अपनी गृहस्थी करते हैं और अपनी फसल उगाते हैं, लेकिन जो उसर खेत में फसल उगा ले और अच्छी फसल काट ले, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वह कुशल किसान थे जो हमारे जैसे उसर खेत और हमारी जैसी मरुभूमि में
उन्होंने इतनी अच्छी फसल काट करके हमारे जीवन को क्या कि हमारे माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को निहाल कर दिया और सब आज लहला रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। वो हमारे लिए गायत्री से भी बढ़ चढ़ कर।